हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो मैं आज सोच रही थी बनाने के लिए स्पाइसी पनीर की रेसिपी, तो चलिए मिलके बनाते हैं पनीर की रेसिपी। तो देखिए, मैंने पनीर का सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है पनीर, और ये है टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, साबुत जीरा और धनिया। तो अब बारी है फ्राई करने की। तो मैंने कढ़ाई को जो है चढ़ा दिया है और मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इसमें मैं करूँगी पनीर को फ्राई, और इसमें जो मसाला मैंने तैयार किया है उसको फ्राई करूँगी। तो अब मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। तो पहले मैंने एक पनीर को डाल दिया है, दूसरे को, तो ऐसे करके मैंने सारा पनीर जो है एक साथ फ्राई कर लिया है। तो इसको हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसका थोड़ा बहुत कलर आ रहा है, इसका गोल्डन ब्राउन होते ही हमें इसे निकाल लेना है। तो अब पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम करेंगे मसाले को फ्राई। तो पहले हम डालेंगे प्याज को, प्याज के बाद हम डालेंगे अदरक, आप अपने मर्जी से डाल लेना। तो उसके बाद लहसुन, उसके बाद साबुत जीरा और धनिया, और लास्ट में मैंने डाला है लाल मिर्च को। तो आप अपने हिसाब से जितना तीखा आपको पसंद उतना ही मिर्ची आप ऐड कर लेना, जितना तीखा आपको पसंद हो उसी हिसाब से। तो इसे हमें फ्राई कर लेना है थोड़े देर के लिए, इसे करीबन 2-3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है। पनीर तो हम काफ़ी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल सा तरीके से पनीर को बनाने का कोशिश किया है। तो अब ये थोड़ा बहुत फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम टमेटोस जो हमने काट के रखे थे उसको ऐड करेंगे। तो टमेटोस को डालने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट तक के लिए फ्राई कर देंगे। टमेटोस जब तक गल नहीं जाएंगे तब तक के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है। टमेटोस जो है गल चुके हैं, अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये ठंडा हो चुका है और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब इधर कढ़ाई रेडी है मसाले को फ्राई करने के लिए। तो अब इस कढ़ाई में मसाला को ऐड कर देंगे, उसके बाद उसको भी हम थोड़े देर के लिए फ्राई कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए हम इसे भी फ्राई कर देंगे। मसाला फ्राई होने के बाद ना हमें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से तेल छोड़ देता है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अभी नमक, स्वाद अनुसार हमें इसमें नमक डालेंगे। उसके बाद आप इसमें टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने टर्मरिक ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर आ चुका है। इसका कंसिस्टेंसी जो है बहुत थिक हो गया है, ये देखिए। अभी भी थोड़ा देर तक हम इसे फ्राई कर देंगे और थोड़ा। तो मसाला पूरा फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर को जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब ये पनीर डालने के लिए तैयार हो चुका है। ये गया पनीर। अब पनीर को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मसाला का जो कोटिंग है ना, वो पनीर में अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, और मसाला का जो फ्लेवर है वो भी पनीर में आ जाना चाहिए। उसके लिए हमें इसे थोड़े देर के लिए पका लेना है। तो हम इसे थोड़ा बहुत पकने के बाद थोड़ा पानी भी ऐड करके इसे 1 मिनट या फिर 2 मिनट के लिए ढक के भी पका सकते हैं। ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा बहुत ऐड करना है, मान लीजिए 1/2 कप
हमें पानी ऐड करके उसे भी कम करवा लेना है। तो मैंने अपने हिसाब से कम करवा लिया है और जो ग्रेवी है वो बनके तैयार है। तो हमारा पनीर जो है बनके रेडी हो गया है। और ये रहा स्पाइसी पनीर, देखिए मैंने इसे गार्निश किया है अनियन और कोरिएंडर लीव से। इसको आप पराठे के साथ भी ले सकते हो और चावल के साथ भी ले सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस पनीर को बनाया है। जो चीज़ें हमारे पास रोज़ अवेलेबल रहते हैं घर में, उसी चीज़ से ही इतना टेस्टी पनीर आप बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये रेसिपी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।